मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोहा वड़े, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप पोहा, दो उबले मैश किए हुए आलू, एक चौथाई कप चावल का आटा, एक चम्मच जीरा, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और नमक स्वाद के अनुसार। हमने यहाँ एक कप पोहा लिया है, जिसे हमने पानी से अच्छे से दो बार धोकर इसका पानी निकाल दिया था। आप देख सकते हैं पोहा अच्छे से इस तरह फूल गया है। अब हम इस पोहे को एक बड़े बर्तन में निकालेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे दो उबले मैश किए हुए आलू, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, एक छोटी चम्मच गरम मसाला और अब हम इसमें डाल देंगे एक चौथाई कप यानी दो चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। और आप चाहे तो इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। ये हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए इसका इस तरह डो बनाकर तैयार कर लिया है। और आप देख सकते हैं ये अच्छे से बाइंड भी हो रहा है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और एक बड़ी चम्मच के करीब मिश्रण को लेकर इसे हम गोल करते हुए इस तरह थोड़ा चपटा कर देंगे। और उंगली से बीच से दबाते हुए इसे हम वड़े की शेप देंगे। ये हमने दो तीन पोहा वड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं, इसी तरह हम बाकी भी बनाएंगे। ये हमने अभी थोड़े वड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और इतना मिश्रण अभी बच गया है, जिसे कि हम फ्रिज में रख देंगे और जब भी खाना हो इसे गर्मा गर्म हम बना लेंगे। अब हम वड़े को सेक लेते हैं। अब हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और पैन में तेल डालकर तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाए हम इसमें ये वड़ों को रख देंगे। और लो मीडियम फ्लेम पर इसे हम सेकेंगे। बीच में गैस का फ्लेम हम मीडियम भी कर देंगे। अब ये नीचे से हल्के से सिक गए हैं, अब इन्हें हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी सेकेंगे। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और इसी तरह पलटते पलटते रहेंगे और इन्हें हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। 3 से 4 मिनट सेकने के बाद हम देखेंगे अब ये अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे और बाकी बचे वड़ों को भी हम इसी तरह सेक लेंगे। अब ये बड़े भी अच्छे सिक गए हैं। अब इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे।
ये हमारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाले पोहा बड़े बनकर तैयार हैं। आप इसे सुबह के नाश्ते में या शाम की चाय के साथ बना सकते हैं और इसे आप चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।